नमस्कार, मैं चुनमुन और इस तलाश टीवी के विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नगर पंचायत चुनाव को लेकर कई दिग्गज संभावित उम्मीदवार मैदान में हैं। उनमें से एक हैं विजयलक्ष्मी जी, जो कि एक बार जिला परिषद के चुनाव जीत चुकी हैं और साथ ही विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। विजयलक्ष्मी जी, सबसे पहले आपको तलाश टीवी के दर्शकों के बीच आपका स्वागत है। जी, मैं सभी को नमस्ते करती हूँ। तलाश टीवी के अधिकारीगण और नगर उटारी की पूरी जनता और इससे जुड़े हुए जो भी हमारे सब भाई बहन हैं, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। और मैं नेटवर्क के माध्यम से आप सभी से भी अपील करती हूँ कि आप सभी मुझे आशीर्वाद दें और मुझे विकास करने का एक मौका दें। देखा जा रहा है कि आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, इसमें क्या आपका क्या इरादा है चुनाव लड़ने के लिए, क्या तैयारी? जी, हमारी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है, क्योंकि जिस आशा अपेक्षा से हमारे घर परिवार से समाज की सेवा हो रही है, उसके अलावा हम भी स्वयं समाज की सेवा में 2011 से जिला परिषद उतर चुके हैं। फिर फिलहाल में आपका नगर उटारी नगर पंचायत हो गया है, इसके दौरान हम घर घर जाके संपर्क भी बना रहे हैं और सभी जनता का अपार समर्थन हमें मिल रहा है और सबका आशीर्वाद भी मिल रहा है। और मैं इस चुनाव को लड़ूंगी और जनता के बीच फिर मुझे विकास करने का मौका मिले, इसी आशा अपील से मैं हर घर पर दस्तक दे रही हूँ, मैं घूम रही हूँ। कुछ दिन पहले आपने झामुमो को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिए हैं, अगर भाजपा आपको टिकट नहीं देती है तो आप क्या करेंगे? नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे काम को देखते हुए, जिस तरह से हमने जिला परिषद रहने के बावजूद विकास किया है और घर घर में हर घर में संपर्क बनाया हुआ है, और ये तो सर्वे करने वाली चीज़ है। हमारे जो भी भाजपा के उच्च अधिकारीगण हैं वो सब सर्वे करवा के देख सकते हैं कि क्या मैंने काम किया है और क्या नहीं किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे भाजपा का टिकट मिलेगा और मैं चुनाव भी लड़ूंगी और मैं जनता के बीच जाके सेवा भी करूंगी और सच्चे सिपाही की तरह भाजपा के साथ हमेशा कंधा से कंधा मिला के चलने का काम करूंगी। जिस तरीके से भाजपा महिलाओं को आज सम्मान दे रही है, चाहे वो शौचालय का माध्यम हो, चाहे वो गैस कनेक्शन का माध्यम हो, चाहे वो लड़कियों की सुरक्षा का माध्यम हो, चाहे लाडली योजना हो, अन्य कई योजनाएँ हमारी भाजपा सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, इसको देखते हुए मैं इस पार्टी में जुड़ी हूं और जो भी हमें पार्टी के तरफ से काम मिलेगा मैं उसको भी करूंगी। और पार्टी भी इस चीज़ को सर्वे करवा के देख सकती है कि मैंने अपना क्या काम किया है क्या नहीं किया है। सर्वे के अनुसार मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे भाजपा का टिकट मिलेगा, इसीलिए मैं पूरे दमखम से अपना प्रचार प्रसार में लगी हूँ। और मुझे पहचान बनाने के लिए जो नगर उटारी की जनता ने पहले मुझे पहचान दे दिया है, इसीलिए मैं नगर उटारी जनता की पहचान और अपनी पहचान के बदौलत इस चुनाव में लड़ रही हूँ, जिससे मुझे पूरा नगर उटारी की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और आगे भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि नगर उटारी में हमें रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताया गया था। लोगों के बीच जनसंपर्क करने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं, जनता आपको किसे बता रही है, क्या क्या समस्या है? जनता के बीच हम जा रहे हैं तो हमने वहाँ देखा कि चप्पा नल की बढ़िया व्यवस्था नहीं है, आपका कहीं पर रोड की व्यवस्था नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है, कहीं इंद्रावास की व्यवस्था नहीं है, उसी को देखते हुए बिजली की व्यवस्था नहीं है, कहीं पोल है तो कहीं तार नहीं, कहीं तार है तो बिजली नहीं, तो उस सभी समस्या को देखते हुए हम एक अपने जीवन में अपने दिल में ये तैयारी लेके चले हैं कि मैं हर विकास का जो भी सरकारी लक्ष्य होगा वो घर घर तक पहुंचाऊंगी और जितना हमें बनेगा वो मैं उन लोगों के लिए, चाहे वो रात हो दिन हो, कभी भी हम उनके लिए खड़े हैं विकास के लिए कि वो मेरे पास आए, मैं उनके पास जाऊं, कंधा से कंधा मिला के जो भी है। नगर पालिका अब छोटा क्षेत्र हो चुका है, इसमें हम जहां तक कहेंगे कि दिन दुगनी रात चौगनी उन्ती के मार्ग पर बाबा बंसीधर हमारे नगर उटारी को करें, जिस उम्मीद और आशा के साथ हमारा नगर पालिका क्षेत्र बना है नगर पंचायत को काटते हुए। धन्यवाद। अगर आप नगर पंचायत चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले कौन सी समस्या को दूर करना चाहेंगे आप? सबसे पहले हम पेंशन से जुड़ी हुई जो भी समस्या रहेगी, वृद्धा पेंशन हो गई, विकलांग पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, इस सबको और इंदिरावास की स्थिति, इस सबको देखते हुए सब सर्वप्रथम और नाली, ये सभी को देखते हुए ये पहला हमारी तरफ से प्राथमिकता रहेगा इसको दूर करने के लिए।
क्योंकि जिस तरीके से हम गांव में जाते हैं, एक बच्चा छोटा वो चाहे बूढ़ा विकलांग हो, हम देखते हैं तो हमारा अंदर से आत्मा रोने लगता है कि आखिरकार जिनको जो योजना या जिस योजना से लाभ मिलना है वो नहीं मिल पा रहा है, तो वो मिले, पेंशन से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उन लोग को मिले। मेरी ये सर्वप्रथम इसको हम प्राथमिकता देंगे, और पानी को, क्योंकि पानी के लिए हमारी लड़कियां बेटियां को बहुत दूर जाना पड़ता है। धन्यवाद। आप इसी प्रकार तलाश टीवी का अगला प्रोग्राम देखते रहें। नमस्कार। इसी तरह से न्यूज़ देखने के लिए आप लगे रहिए यूट्यूब चैनल के साथ तलाश टीवी। मैं चुनमुन। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।